भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देखने को मिली है। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसे मोदी सरकार की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्यु दंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेगा और इन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था देगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया। बयान में कहा गया कि भारत सरकार देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों में से एक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहाँ खड़ा रहना संभव नहीं था। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ, थैंक यू। सेम थिंग। बता दें, आधिकारिक बयान में आगे कहा गया, 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। ये सभी 8 लोग भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इनसे जुड़ी डिटेल अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। कतर से लौटे नौसेना के दिग्गजों में से एक का कहना है, हमने भारत वापस आने के लिए लगभग 18 महीने तक इंतजार किया है। हम पीएम मोदी के बेहद आभारी हैं। ये उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और कतर के साथ उनके समीकरण के बिना संभव नहीं होता। सुनिए पूरी बात। वी हैव वेटेड ऑलमोस्ट 18 मंथ्स टू बी बैक इन इंडिया। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इट सर्टेनली वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हिज पर्सनल इंटरवेंशन एंड एन इक्वेशन विद द मेयर ऑफ कतर। आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर द एवरी एफर्ट दैट हैज बीन मेड। बता दें, पीएम मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई की चर्चा की थी।